मंदसौर में नारकोटिक्स पुलिस ने राजस्थान के एक युवक को ड्रग तस्करी के मामले में गिरफ्तार किया है, जिसकी आज सुबह पुलिस अभिरक्षा में संदिग्ध मौत हो गई। इसके बाद पुलिस युवक को जिला अस्पताल लेकर पहुंची और परिजनों को सूचना दी गई। वहीं मामले में परिजनों ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा, पुलिस ने युवक सोहेल को छोड़ने के लिए 50 लाख रुपये की मांग की थी और नहीं देने पर युवक को पुलिस ने मार डाला। अरे मेरा भाई सोहेल घर से 2 बजे नमाज पढ़ने के बाद में निकला और 3 बजे मैंने उसको फ़ोन लगाया तो मंदसौर नारकोटिक्स ने उसको उठा लिया टोल टैक्स के यहाँ से कि ये मुझे मंदसौर नारकोटिक्स ने पकड़ लिया है। तो उन सर से बातचीत हुई तो उन्होंने बोला कि मैं 50 लाख रुपए लूँगा और छोड़ दूँगा और मैं यहाँ और मुझे सुबह में फ़ोन किया कि तेरा भाई सांस नहीं ले पा रहा है और हम इसको हॉस्पिटल में लाए हैं तो आ जाए यहाँ से जल्दी। तो मैंने आप मारने की बात की सोहेल पिता हमिद खान पठान जो प्रतापगढ़ राजस्थान का रहने वाला है और वो मृत अवस्था में यहाँ लाया गया है। ज्ञात हुआ कि उसको रात में कल नारकोटिक्स विंग द्वारा 90 ग्राम स्मैक में उसे गिरफ्तार किया गया था और उससे फिर जब उसकी तबीयत बिगड़ी तो फिर यहाँ लाया गया जहाँ पे इसको मृत घोषित किया गया है। इस संबंध में नियमानुसार जो है जाँच होगी और इसमें जुडिशियल इंक्वायरी के लिए हमने निवेदन किया है और एक जो पैनल होता है उसे PM करेंगे और समस्त कार्रवाई की वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी और नियमों का जो है वो पालन कराया जाएगा। इसमें ये भी आरोप लगाया